बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में किराएदारों को तहफ्फुज मिल गया, नोटिफिकेशन जारी। मालकान आइंदा 60 दिनों तक किराएदारों को तंग नहीं करेंगे और बेदखल भी नहीं कर सकेंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकॉन पर जाकर क्लिक करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा सके। कोरोना वायरस ने इस वक्त पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में लिया हुआ है, जिसके बाद हर गुजरते दिन के साथ इसकी तबाही में इजाफा होता जा रहा है। अभी तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुतासर अफराद की तादाद 5,000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि 93 अफराद कोरोना वायरस का शिकार होकर जाँ बहक हो चुके हैं। कोरोना वायरस को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए इस वक्त मुल्क में लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसके बाद लोगों को रोज़गार कमाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुश्किल को ख़त्म करने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से एक अहम कदम उठाया गया है, कि जिसके बाद मालकान को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो आइंदा 60 दिनों के लिए अपने किराएदारों को तंग नहीं करेंगे और ना ही वो इन्हें निकाह सकेंगे। इस जामन में सूबाई हुकूमत ने बकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने किराएदारों के तहफ़ की खातिर आइंदा 2 माह तक के लिए अहकाम जारी किए हैं। सूबाई हुकूमत की जानब से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोई भी मालिक मकान लॉकडाउन के दौरान किराएदार को मजबूर नहीं कर सकता कि वो इसका मकान खाली करे। किराए की मद में वाजबात की आमद अदायगी या तहीर की सूरत में भी मकान मालिक किराएदार से जगह खाली कराने का मजाज नहीं होगा। अहकाम की जानिब से कहा गया है कि ये कदम हमने आवाम की मुश्किलात का मद्देनज़र रखते हुए किया है, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि लोग मुश्किलात का शिकार हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। ताहम जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते, वो किसी किस्म की मुश्किलात का शिकार ना हो और बेघर ना हो। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में वाज़ेह किया गया है कि जारी करदा अहकामात पर अमल दरामद फौरी तौर पर होगा, और इस हुक्मनामे का इतला आज से 60 रोज तक जारी रहेगा। मज़ीद मालूमात के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल ई डेली पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।